जा रहे हैं ये सेंटेंसेस कि आप किस वक्त उठते हो, आप कितने बजे नाश्ता करते हो, आज आपने कितने बजे खाना खाया, आज आपने क्या खाया, उठने के बाद आप क्या करते हो, आप कितने बजे स्कूल जाते हो, आप किस चीज़ से स्कूल जाते हो, मींस किस सोर्स के ज़रिए, और आप किसके साथ स्कूल जाते हो। तो ये सेंटेंसेस हैं और इनके हम करेंगे अभी इंग्लिश। ओके, तो हमारे पास ठीक जो ये वाला जो सेंटेंस है जो आप देख रहे हो, आप किस वक्त उठते हो, आप किस वक्त उठते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या है? What time do you wake up? Means कि आप कितने बजे उठते हो, क्या कहना है? What time do you wake up? इसको क्या कहना, आप कितने बजे उठते हो, क्या उठते हो? अच्छा, ये जो व्हाट लिखा है इसको क्या बोल रहे हैं? What up? आहा, वाह, क्या कहना है? वाह, व्हाट टाइम, क्या कहना है? व्हाट टाइम, आप कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू वेक अप, क्या? व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आप कितने बजे उठते हो? अच्छा, यहाँ पे अगला फिक्रा जो आ रहा है जिसके मुताबिक, अगर ये इसकी उर्दू हो कि आप कितने बजे नाश्ता करते हो, आप कितने बजे नाश्ता करते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या है? कितने नाश्ता करते हो, नाश्ता, शाबाश। व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आप कितने बजे नाश्ता करते हो। फिर आपसे नेक्स्ट जो पूछा जाए कि आप कितने बजे लंच करते हो, या दोपहर का खाना खाते हो, या खाना खाते हो, आपने कितने बजे खाना खाया, वो टाइम डिड यू हैव लंच, आपने कितने बजे खाना खाया, वो टाइम डिड यू हैव लंच। ग्रेट, अब नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें लिखा है कि आपने आज क्या खाया, आज आपने क्या खाया, वो डिड यू ईट टुडे, टुडे, क्या कहना, टुडे, यानी कि ये भी इसको इस तरह से कि साइलेंट कर दे, टुडे, टुडे। और आप एक चीज़ को फिर से इग्नोर ना करें, ये टी आ रहा है आप देख रहे हो, और ये भी टी आ रहा है, तो जब दो टी एक जैसे हैं तो हम एक ही टी पढ़ेंगे। ईट, टू, ऐसे नहीं कहना, बस ऐसे कहना है, ई आगे कहना है, टुडे, व्हाट डू यू ईट टुडे, क्या इसको क्या कहना है, ईट को ई, व्हाट डिड यू ईट टुडे, क्या कहना है? फिर से सुने, व्हाट डिड यू ईट टुडे, शाबाश। अब मैं आपसे फिर से व्हाट की प्रैक्टिस करवाना चाहूँगा। लफ्ज़ आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, रहमान, आर यू देयर, लिखा है व्हाट, क्या लिखा है? हमने व्हाट को कहना है वॉ, क्या कहना है? वॉ, और हमने अगला लफ्ज़ इसके साथ मिला देना है, यानी कि कुछ यूं करके, वॉ टाइम, वॉ टाइम, वॉ टाइम, क्या कहना है? वॉ टाइम, राइट, यू गॉट माई पॉइंट? वॉ टाइम डू यू वेक अप, आप किस वक्त उठते हो, वॉट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आप कितने बजे अपना नाश्ता करते हो, या आप कितने बजे नाश्ता करते हो, वॉट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, क्लियर? अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है
कि उठने के बाद आप क्या करते हो? क्या कहना है? उठने के बाद आप क्या करते हो? उठने के बाद आप क्या करते हो? इसके लिए आप क्या बोलेंगे? What do you do after waking up? क्या कहना है? What do you do after waking up? What do you do after waking up? What do you do after waking up? इसमें भी टी साइलेंट करते हैं बस, यानी कि इस तरह से बोले, What do you do after waking up? और वेकिंग को क्या बोलना है? वेकन अप। इस पे गौर करें। उठने के बाद आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप? शाबाश, ये कल ऐसे ही आपसे सुने जाएंगे। फिर आ रहा है जनाब कि आप कितने बजे स्कूल जाते हो? क्या कि आप कितने बजे स्कूल जाते हो? आप कितने बजे स्कूल जाते हो? तो इसके लिए हमने कहना है, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? आप कितने बजे स्कूल जाते हो? वो टाइम बेटा डू यू गो टू स्कूल? अच्छा, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए। आप कितने बजे स्कूल जाते हो? वो टाइम डू यू गो टू स्कूल? समझ आ गया? क्या कहा गया इसमें? आप कितने बजे स्कूल जाते हो? व्हाट टाइम डू यू What डू time do टू you go to school? What time do you? व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? What time do you go to school? Clear? अच्छा, फिर नेक्स्ट में आपसे जो क्वेश्चन है वो है, आप किस चीज़ से स्कूल जाते हो ना, मतलब किस सोर्स के ज़रिए, किस कन्विंस के ज़रिए, किस सवारी से, किस तरह से? तो हम कहते हैं, पहले मैं ये सवाल लिख लूँ कि आप किस चीज़ से स्कूल जाते हो ना, आप किस चीज़ से स्कूल जाते हो? थ्रू विच मीन योर कन्वेयंस डू यू गो टू स्कूल? थ्रू विच मीन्स डू यू गो टू स्कूल? क्या कहना है? थ्रू विच का मतलब होता है किस के जरिए, मीन्स होता है किस सवारी के जरिए। थ्रू विच मीन्स डू यू गो टू स्कूल? क्या? हाँ, ये तो है ना, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो? थ्रू विच मीन्स किस सवारी के जरिए? थ्रू विच मीन्स, थ्रू विच मीन्स हाँ, डू यू गो टू स्कूल? आप किसके साथ स्कूल जाते हो? आप किसके साथ स्कूल जाते हो? क्या कहना है? आप किसके साथ स्कूल जाते हो? हु डू यू गो टू स्कूल विथ? हु डू यू गो टू स्कूल विथ? आप किसके साथ स्कूल जाते हो? हु डू यू गो टू स्कूल विथ? हु डू यू गो टू स्कूल विथ? अच्छा, आप किस वक्त उठते हो? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? बोलिए। आप किस वक्त स्कूल जाते हो? व्हाट टाइम डू यू वेक आप कितने बजे नाश्ता करते हो? व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट? अप? आप कितने बजे नाश्ता करते हो? व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट? आज आपने कितने बजे खाना खाया? व्हाट टाइम डिड यू हैव लंच? आज आपने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट टुडे? और आगे बोलिए। उठने के बाद आप क्या करते करते हैं? हो? व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप? शाबाश। और इसके बाद अगला है कि आप किस कितने बजे स्कूल जाते हो ना? आप कितने बजे स्कूल जाते हो? व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? इसके बाद है कि आप किस चीज़ से स्कूल जाते हो?
through which means do you go to school? अच्छा फिर होता है कि आप किसके साथ स्कूल जाते हो, How do you who go to school with? who do you go to school with? Who do you go to school with? शाबाश, ब्रावो, परफेक्ट।